सही बच्चों को राम राम। आज का जो क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सरसाइज 4 का, सॉरी एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। बच्चों इसको हिंदी मीडियम वाले बच्चों से मेरी विनती है कि प्लीज वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को एक बार जरूर से जरूर इस क्वेश्चन को वहां से पढ़ें, फिर उसके बाद वीडियो को देखें। बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देखिए जरा। ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। बच्चों देखो एक्चुअली क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पीछे वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और आपको इसको जब इक्वेशन बन जाएगी आप इसे एलिमिनेशन मेथड से, मैं यहाँ पे भी सॉल्व करूंगा, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, बट यहाँ पे मैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा बच्चों, ठीक है? देखिये न्यूमरेटर, न्यूमरेटर जो होता है उसे हिंदी में बोलते हैं अंश और डिनोमिनेटर को हिंदी में बोलते हैं हर, ठीक है बच्चों? चलो तो हम करेंगे लेट द फ्रैक्शन इज एक्स अपॉन में y, ठीक है? लेंथ ऑफ फ्रैक्शन इज x अपॉन में y, ठीक है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर आप ऐसे लेट कर सकते हैं लेट द न्यूमरेटर x, और चलो ऐसे कर लेते हैं, चलो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेट द न्यूमरेटर x एंड लेट द डिनोमिनेटर y, आप ऐसे भी लेट कर सकते हैं एज यू विश, ठीक है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। देखिए अगर न्यूमरेटर में से एक में सबट्रैक्ट कर दूं तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बेटा 1/3, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3x, देखिए 3 × x − 3 और ये y हो गया 3x − y = 3, इक्वेशन फर्स्ट आ गया है, ठीक है? एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर, और ये क्या हो जाएगा आपका 1/4 हो जाएगा जब हम डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर देंगे 8 ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे 8 ऐड कर देंगे, ठीक है बच्चों? अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 4x देखो 4 × x y + 8, अब ये हो जाएगा 4x − y = 8, इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। यहां पर हम आप किसी भी दो मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर ग्राफिकल मेथड से एज यू विश घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट यहां पर हम जो इसे है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉरी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों इक्वेशन 1 ये रही हमारे पास, आपके सामने देखिए दोनों चीज, y का जो कोफिशियंट है वो क्या है -1 है, बराबर है, तो हम क्या करेंगे बेटा साइन भी दोनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे बेटा दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, दोनों इक्वेशन क्या कर देंगे माइनस, 2 इक्वेशन माइनस फर्स्ट। तो बच्चों यहां पे जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, साइन क्या हो जाएगा बच्चों चेंज हो जाएगा। देखो 4x माइनस, ये देखो साइन जो होता है हम भूल जाते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, 4x − 3x क्या आएगा बच्चों एक्स आएगा, प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल आउट, इक्वल टू कितना आ गया बच्चों आपका 5, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। अब इसको हम क्या करेंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, वैल्यू ऑफ एक्स पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर पुट कर देंगे 3 × 5 − y = 3, देखो 3 × 5 − y = 3, ठीक है? अब ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा 15, 5 × 3 = 15, y 15 × 3 = 15 − 3 = 12, ठीक है बच्चों? यानी कि हमारा जो हमने फ्रैक्शन लेट किया था वो क्या लेट किया था, जो हमने फ्रैक्शन लेट किया था वो क्या लेट किया था, हमने x अपॉन में y लेट किया था, x की वैल्यू कितनी बेटा 5 और y की वैल्यू कितनी बेटा 12, तो हमारा जो फ्रैक्शन है वो कितना आ गया 5/12, ठीक है बच्चों? आपको सभी को समझ में आ गया बच्चों, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें और सभी से मेरी विनती है ध्यान से क्वेश्चनों को समझे, ठीक है बच्चों? राम राम।